यदि मेरे पक्ष में निकला तो भी मैं अपने अपने खर्चे से वह मंदिर बनाऊंगा, और यदि गांव उनके खाते में निकला, गांव के खाते में निकला, तो भी वो बना सकते हैं मंदिर, मेरे को कोई गुजर नहीं। उदयपुर जिला मुख्यालय से सटी मटून ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम टीलाखेड़ा में 100 से अधिक वर्षों से रह रहे पुजारियों की जमीन को गांव का एक तबका मंदिर की जमीन बताकर वहां पर मंदिर स्थापित करना चाहता है, जबकि उसके पास ही भव्य मंदिर भी बन गया है और गत 22 फरवरी को भगवान चार भुजा नाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। लेकिन 50 सालों पुराना विवाद अभी भी ताजा ही है और इसके निराकरण के लिए गांव के चबूतरों की पंचायत से लेकर माननीय न्यायालय तक लगा हुआ है। आपको बता दें कि 1980 से यह विवाद चला आ रहा है और उस समय तय हुआ था कि मंदिर से हटाकर मूर्ति को पुजारी परिवार के यहां रखा जाए ताकि सेवा पूजा समय अनुसार होती रहे। यही हुआ और इस अस्थायी मंदिर में भी लोग ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने में आते रहे हैं, धंधा जी करते हैं और इनके हिसाब से ही सारा काम हुआ है। और ये डोली है तो भी चार पूजा के नाम की यही है और इसे यही कमा रहे हैं, ये पुजारी है, हमारा सेवक है। फिर बाद में इन्होंने मतलब ये गुदेर की है, ये गलत की है। आज दिन तक मतलब जो है ये गुदेर कितने सालों से करता ही आ रहा है और करते रह रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं बार 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 बार। साल 2016 में मंदिर की इमारत जर्जर इमारत को पूरी तरह से गिराकर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया ताकि फिर से चार भुजा नाथ की मूर्ति यहां पर अस्थायी मंदिर से अपने अस्थायी मंदिर पर आ जाए। लेकिन कुछ समय पहले ही गमेती समाज के एक युवक ने अस्थायी मंदिर में स्थित मूर्ति को तोड़ दिया। मामला थाने तक पहुंचा जहां आरोपी ने एक कहानी बताई कि उसे सपने में ठाकुर जी ने ही आदेश दिया था, लेकिन उसने ऐसा किया और अब गांव वाले जो भी आदेश करेंगे उसकी पालना वह करेगा। कोई एक गमेती ने मूर्ति की फोड़ दी करीब टाइम के करीब 3:30 बजे फोड़ी। फिर गांव वाले ने सुना तो 4:30 बजे सब गांव वाले इकट्ठे हुए, इकट्ठा होकर फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने वाले आए और थाने में उसको पकड़ के ले गया। हम गांव के भी गए और सब मिलके और थानेदार साहब ने फैसला दिया कि ये गमेती है, गरीब है, उसको पोशाक तो जानबूझ के फोड़ी या फिर तेरे कोई नशा पता करके फोड़ी क्या कि न तो मैं नशा पता किया है न कैस नहीं। मेरे को रात को भगवान ने बोला मैंने मूर्ति फोड़ दी। थानेदार साहब के सामने यह बात हुई तो फिर थानेदार साहब ने बोला कि अब तू क्या करना चाहता है कि जो गांव वाला बोलेगा वो पैसा मैं दे दूंगा। टीलाखेड़ा में 50 सालों से चल रहा विवाद आज भी जस का तस ही है। भव्य मंदिर बन गया, ठाकुर जी में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ प्राण भी फूंक दिए गए, लेकिन गांव वालों की प्रतिष्ठा अभी भी अधूरी ही है। कुछ लोगों का मानना है कि अस्थायी मंदिर में ठाकुर जी सालों से विराजित थे, इसलिए उनका प्रताप तो वही पर है और इसलिए मंदिर भी यही बनेगा। मगर अस्थायी मंदिर के छोटे से टुकड़े के सारे ही दस्तावेज पुजारियों के नाम पर है। इसके बाद ही कुछ गांव वालों ने घर की जमीन को मंदिर का बताया और पुजारियों को बेघर करने का प्रयास कर रहे हैं। सोचनीय विषय है कि छोटे से गांव में एक ही स्थान पर दो मंदिर की आवश्यकता ही क्या है। जब सार्वजनिक भव्य मंदिर है तत्पश्चात पुजारियों की जमीन पर अधिकार करने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए इन्होंने वो मूर्ति ले जाके थोड़े दिन मेरे घर में रखी। उसके बाद में क्या हुआ कि मंदिर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़े ज़्यादा टाइम तक वहाँ मूर्ति पड़ी रहेगी। ये मंदिर बना, मंदिर बनाने के बाद जैसे हम वहाँ लाने लगे कुछ खुराब आते उन्होंने उनको रोक दिया कि यार ये मूर्ति हमारी है, राह दे, हम ये करेंगे, सब मिल के बैठाएंगे। ऐसे करते करते थोड़ा समय ज़्यादा निकल गया। फिर जो वो मंदिर अपने बड़ा बड़े जर्जर हो गया। ये आज बैठाएं कल बैठाएं इसमें थोड़ा टाइम हुआ। हमने 22 फरवरी 2024 को प्रतिष्ठा करवाई, उसमें प्रतापनगर थाने से जाबता भी आया था और बहुत सारे गणमान्य से अभी आए थे, कुछ नेता वगैरह सारे आए थे और कम से कम 4000 लोगों का खाना बना था, 4000 लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। काम अच्छे तरीके से हो गया, सब कुछ हो गया, मूर्ति की जगह पे है काम, चार बजा का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। बस अब लेकर के ये कुछ खुरापाती जी उत्पाती है तो
और कल ही वो बोल रहे थे कि मंदिर 2 महीने पहले मूर्ति तोड़ी, जबकि मूर्ति को टूटे आज लगभग 10 महीने हो गए और 1 सितंबर की बात है वो। अब इनको उस बात का पता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मूर्ति के टुकड़े कर दिए, टुकड़े उसकी वीडियोग्राफी बनी हुई है, वो प्रतापनगर थाने में पूरा का पूरा मामला दर्ज है और प्रतापनगर थाने से जो संबंधित अधिकारी वो पहुंचे वहाँ और उन्होंने उसका वीडियो बनाया, वो सारी बातें उनके पास है। तो क्या इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है? अब ये क्या खुराबादी जीव ला करके मेरे घर में फिर मूर्ति प्रतिष्ठा करने चाह रहे हैं, जबकि उनका वहाँ लेना देना कुछ नहीं है। इसके लिए हमने एक बात दायर करवाया है, वो केस अभी तक चल रहा है।